नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ फारूल यादव। चलिए दोस्तों एक बार नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पीएम किसान योजना में धांधली करने वालों पर कार्यवाही, केंद्र सरकार अपनाएगी कड़ा रुख। जनधन खाता धारकों को बीमा सुरक्षा देगी सरकार, जनधन योजना के 6 साल पूरे होने पर लिया फैसला। सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर के साथ सड़कों पर उतरे किसान, कोई नहीं सुन रहा किसानों की परेशानी और दुख। जहां केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किश्त किसानों के खातों में भेजने का ऐलान किया था, तो वहीं अब सरकार इस योजना को लेकर धांधली करने वालों पर कड़ा रुख अपनाने जा रही है। आपको बता दें कि जो लोग इस योजना का लाभ अवैध तरीके से ले रहे हैं उन लोगों पर जल्द कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि इस योजना का लाभ ऐसे न जाने कितने लोग ले रहे हैं जिनका खेती से कोई वास्ता तक नहीं है। ऐसे में जल्द ही सरकार इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों की जांच करवा सकती है, जिसके लिए जल्द ही पैन कार्ड के जरिए लाभार्थियों की जांच की जा सकती है। पैन कार्ड की मदद से ऐसे लोगों की पहचान करने में आसानी हो सकेगी। प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना के 6 साल पूरा होने के मौके पर केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों के लोगों को फायदा देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सरकार इस योजना के अंतर्गत खोले गए गरीबों के 0 बैलेंस के खातों पर उन्हें बीमा सुरक्षा मुहैया कराने जा रही है, जिसके तहत सरकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू करने वाली है। आपको बता दें कि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जहां 18 से 50 साल के बैंक खाता धारकों के लिए सालाना 330 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख तक का जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाता है, तो वहीं सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 70 साल तक के खाता धारकों के लिए मात्र 12 रुपए के प्रीमियम पर सरकार 1 साल के लिए 2 लाख रुपए तक का दुर्घटनावश मृत्यु और 1 लाख रुपए तक के दिव्यांगता बीमा सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से जहां देश भर के लोग #justice फॉर सुशांत की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इस बीच किसी भी न्यूज़ चैनल के पास किसानों की परेशानियों को दिखाने का समय नहीं रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के किसानों ने इस बात को लेकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए किसानों ने बीते रोज दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर के साथ अपना दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि इलाके में भारी बारिश के चलते उनकी पूरी फसल तबाह हो चुकी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में किसानों ने जिला मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर विदिशा के जाफर खेड़ी गांव में अपने खेतों में जाकर किसानों ने साइट पर सुशांत सिंह राजपूत के चित्रों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और दिवंगत अभिनेता को भी श्रद्धांजलि देने के साथ कहा कि जिस तरह लोग जस्टिस फॉर सुशांत के लिए खड़े हैं, ठीक उसी तरह किसानों के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। तो दोस्तों आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वक्त ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।